सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी इन्फो को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि मिल सके आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर अपडेट्स सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी इन्फो में। और आज की वीडियो में हम फुल इंफॉर्मेशन देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो तो आई नो कि आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे। कट ऑफ की डेट देखेंगे कि पहली कट ऑफ, दूसरी कट ऑफ और जो और भी कट ऑफ्स है वो कौन कौन सी डेट पे आएंगी। फिर देखेंगे कि एडमिशन टाइमिंग क्या है, एडमिशन की टाइमिंग मतलब मॉर्निंग कॉलेज के अकॉर्डिंग और इवनिंग कॉलेज के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास जो एडमिशन कराने के बाद जो फी पेमेंट होता है उसका प्रोसेस क्या है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम जानेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी तक अभी आपके पास टाइम है, तो कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की वीडियोस और अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की जो बात करें तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे 15 मई से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 जून रात मतलब शाम 6 बजे तक। ठीक है, आप शाम को 6 बजे तक 7 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो जो कट ऑफ की डेट जानेंगे तो पहली कट ऑफ हमारी जो है वो 19 जून को आएगी, और इस पे जो फर्स्ट कट ऑफ के बेसिस पे जो एडमिशन होंगे वो हमारे 21 जून तक होंगे। और फिर जो सेकंड कट ऑफ आएगी हमारी वो आएगी 25 जून को, और इसके बेसिस पे जो एडमिशन होंगे वो 27 जून तक होंगे। और फिर देखें तो थर्ड कट ऑफ जो हमारी है वो थर्ड कट ऑफ आएगी 30 जून को, इसके बेसिस पे एडमिशन हमारे 3 जुलाई तक होंगे। और फिर जो फोर्थ कट ऑफ है वो हमारी आएगी 6 जुलाई को, और इसके बेसिस पे जो एडमिशन होंगे वो हमारे 9 जुलाई को होंगे। तो इन पे जो फिफ्थ कट ऑफ देखें तो फिर फिफ्थ कट ऑफ जो है वो 12 जुलाई को आएगी, और एडमिशन हमारे इस पे 14 जुलाई तक होंगे। अगर बीच में संडे पड़ता है तो उस दिन एडमिशन नहीं होगा, आप उसके नेक्स्ट दिन, जैसे मतलब 3 दिन तक एडमिशन चलता है, अगर बीच में संडे आ जाएगा तो वो आप 4 दिन मतलब 1 दिन और बढ़ जाएगा संडे को छोड़ के। ठीक है फ्रेंड्स, और एडमिशन की टाइमिंग देखें तो मॉर्निंग कॉलेज में जो एडमिशन होंगे कट ऑफ आने के बाद, पहली कट ऑफ जब आपने उसके बाद जो मॉर्निंग कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो उसकी टाइमिंग है 9:30 to 1:30, मतलब सुबह 9:30 से 1:30 बजे तक ही एडमिशन चलेगा, एडमिशन प्रोसेस होगा, आप एडमिशन ले पाएंगे इस टाइमिंग में। और इवनिंग कॉलेज की बात करें तो इवनिंग कॉलेज की जो टाइमिंग है वो है 4 PM to 7 PM, मतलब शाम को 4 बजे से आप शाम को 7 बजे तक एडमिशन ले सकते हैं इवनिंग कॉलेज में जाके, जो इवनिंग कॉलेज की कट ऑफ के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखें कि आपको एडमिशन आपने ले लिया, एडमिशन लेने के बाद आपको जो फी पेमेंट करनी होती है जो कॉलेज के कोर्स की फी होती है उसके लिए, जो मतलब जैसे आप जब एडमिशन लेकर आए आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके विद इन वन डे में आपको पेमेंट करनी होती है। जैसे कि मतलब आप मान लीजिए मॉर्निंग कॉलेज में लेकर आए एडमिशन और 1:30 बजे तक ले लिया आपने एडमिशन, तो उसके 12 घंटे के बीच में आपको पेमेंट करनी पड़ती है, वो भी DU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है DU.ac.in, उस पर अपना लॉग इन करके आपको वहां पे जाके पेमेंट करनी होती है कॉलेज के पोर्टल पे। मतलब आप जैसे ही लॉग इन करेंगे तो आप वहां से कॉलेज के पोर्टल पे जाएंगे जिस कॉलेज में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, और फिर उस कॉलेज को आप पेमेंट करेंगे कोर्स के लिए। तो यही सब चीजें थी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में एक और चीज स्पेशल है जो अभी शायद आपको पता है कि नहीं, वो ECO और स्पोर्ट कोटा स्पेशल है। वो कि जैसा कि पहले प्रोविजन था कि अभी तक आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते थे, और अब जो प्रोविजन आया नया इस साल के सेशन के लिए फॉर द 2018-19 के लिए, तो वो ये आया है कि ECO और स्पोर्ट्स कोटे वाले जो एस्पिरेंट हैं वो अपने 3 सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 3 सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। और इसमें ये तो आपको पता ही है कि वो जो सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट मतलब ज्यादा साल पुराने नहीं होने चाहिए। ठीक है, और फिर बाकी सब डिटेल तो मैंने स्पोर्ट्स कोटे वाली वीडियो में आपको दे ही दिया है। और बस आज की वीडियो में इतना ही, रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए अगर नहीं किया आपने। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझसे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में नीचे, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।